बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। घटना ये है, एक बार एक बहुत दुखी इंसान अपने बाबा जी से शिकायत कर रहा था कि बाबा जी आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं सेवा भी करता हूँ फिर भी जिंदगी में इतना ज्यादा दुखी हूँ और हर वक्त दुख और परेशानियाँ मुझे घेरे रखती हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी परेशानी तैयार हो जाती है। फिर वो अपने गुरु से कहता है, बाबा जी क्या आपने सारे दुख मेरे हिस्से डाल दिए हैं? फिर गुरु उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, दुख और परेशानियां तो सबके साथ है पर दूसरे इंसान को दिखाई नहीं देती। इस संसार में सब दुखों और परेशानियों से घिरे हुए हैं, कोई उससे बचा हुआ नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। और तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सब सुखी हैं और सिर्फ तुम दुखी हो। ये हमारे पिछले कर्मों के कारण ही हमें दुख मिलते हैं और कर्मों के कारण ही तो हम इस धरती पर आते हैं। और कर्म न होते तो हम सब परफेक्ट होते, और परफेक्ट होते तो यहाँ दुनिया में क्यों आते? अपने कर्मों के कारण ही तो हम इस दुनिया में बार बार आते हैं। पर उस इंसान को कोई बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही वो समझने को तैयार था। वो जिद करने लगा कि मैं थक चुका हूँ इन दुखों से, अब मुझे सुख चाहिए। अब गुरु के लिए तो उनका हर बच्चा प्यारा होता है, जैसे माँ बाप को अपना हर बच्चा समान रूप से प्यारा होता है। जिस तरह माँ बाप का प्यार बच्चे की कमियों और अच्छाइयों पर निर्भर नहीं होता, उसी तरह सतगुरु भी हमें सब बच्चों को एक समान प्यार करते हैं। हम ही भूले बैठे हैं उस मालिक को जो हमारा सच्चा माता पिता है। उस परमात्मा, उस सतगुरु ने ही हमारी इस जिंदगी में भी साथ निभाना है और जिंदगी के बाद भी हमारे साथ रहना है। और रिश्ते नाते तो सब छूट जाएंगे। अब घटना के अनुसार वो इंसान जिद पर अड़ा रहा तो उसके गुरु ने कहा, ठीक है तू कहता है तो मैं तुझे एक अवसर देता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। अब सच्चा सद्गुरु तो खुद परमात्मा ही होता है। तो उस व्यक्ति के गुरु ने कहा कि एक पेड़ है जहाँ सब लोग अपने दुख और परेशानियों की गठरी बांधकर चले जाते हैं, जिससे उनके दुख और परेशानियाँ खत्म हो सके। तुम भी ऐसा कर लो तो तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। यह बात सुनकर वो इंसान खुशी के मारे झूम उठा कि अब तो परेशानियां खत्म होने वाली है मेरी। पर इसके साथ गुरु ने एक शर्त रखी थी कि अपनी गठरी बांधने के बाद वहां से एक दूसरी गठरी अपने साथ लानी होगी। वहां हर तरह की छोटी बड़ी गठरी है, जो गठरी पसंद आए वो ले आना। उस इंसान को ये बात सुनकर कुछ अजीब लगा, पर वो अपने दुखों से इतना परेशान था कि खुशी के मारे उसने ये बात मान ली और चला गया। अब जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखता है वहां तो छोटी बड़ी हर तरह की गठरियां बंधी हुई हैं और बहुत सारी बंधी हुई हैं। वहां पहुंचकर उसने पहले अपनी गठरी बांध दी और बांधकर बड़ा खुश हुआ कि चलो अब सब दुख खत्म हो जाएंगे। फिर उसे याद आया कि बदले में दूसरी गठरी लेके जानी थी। फिर उसने सोचा सबसे छोटी गठरी लूं या बड़ी लूं। फिर उसके विवेक ने उसे चेताया कि ये तो सारी दुखों की गठरी है, छोटी ले लेता हूँ। पर फिर उसे लगा अगर उसमें एक ही दुख इतना बड़ा हुआ जो झेला ही ना जा सके तो क्या होगा मेरा, यहाँ कोई अपने सुख की गठरी तो बांध के जाएगा नहीं। फिर उसको बहुत चिंता सताने लगी कि पता नहीं कौन सा दुख लेकर चला जाऊं और सारी जिंदगी पछताना पड़े। काफी देर तक यही चलता रहा उस इंसान के दिमाग में। फिर आखिरकार उसने अपने गुरु को याद किया और सच्चे दिल से पुकारा तो उसके गुरु वहां आ गए। सतगुरु तो जानी जान होते हैं, परेशानी में ही सही याद करके तो देखो, वो हर पल हमारे अंग संग हैं। अब जैसे ही उसके गुरु आए तो उनके पैरों पर गिर पड़ा कि बाबा जी मुझे समझ आ गया है, इस दुनिया में तो दुख ही दुख हैं, मानो उसको सोझी आ गई हो। कहने लगा, बाबा जी जिस दुख का हमें पता ही नहीं हम सामना कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो मुझे अपने सब दुख और परेशानियां पता हैं और आप साथ हो तो ये परेशानियां भी आसानी से चली जाती हैं। फिर कोई दूसरी परेशानी भी आती है तो वो भी जल्दी चली जाती है। फिर उसको समझ आ गया कि उसके दुख तो कुछ भी नहीं।
तो उसको मानव भेद मिल गया हो। अगर सच्चे सद्गुरु का साथ है तो वो तो सूली का भी शूल कर देते हैं, हमारे पिछले कर्मों के दुख इतनी आसानी से काट देते हैं कि हमारा डर खुशी में बदल जाता है। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हम सबको बाबा जी से इतना प्यार और विश्वास है क्योंकि बाबा जी माता पिता से भी बढ़कर हर परेशानी में हमारे साथ खड़े होते हैं, और जहाँ हमारे बाबा जी के कदम पड़ जाएं तो वहाँ तो दुख का सवाल पैदा ही नहीं होता। बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग और हमारा पूरा देश, जो आज परमात्मा बाबा जी के रूप में हमारे देश आए हैं, क्योंकि दुखों के होते हुए भी हम बाबा जी को सदा अपने साथ खड़े पाते हैं। मेरी ये बात सुनकर संगत रो जरूर पड़ी होगी, क्योंकि मिरेकल तो मालिक अपने सब बच्चों के साथ करता रहता है, मुश्किल लगने वाले दुख को आसानी से काट देता है, फिर भी हम परेशान होते हैं। हमारे साथ तो पूरी दुनिया का बनाने वाला खड़ा है, तो फिर हम क्यों डरते हैं? इसीलिए हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करते हुए भजन सिमरन को पूरा टाइम देना है, बाबा जी के हुक्म पर चलना है। मालिक के हुक्म पर चलेंगे तो मालिक की खुशी हासिल जरूर होगी, और मालिक की खुशी हासिल होगी तो मालिक हमारा परमार्थ भी संवारेंगे और स्वार्थ भी संवारेंगे। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि बाबा जी की प्यारी संगत में कोई भटक रहा हो या किसी को रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो उसे इस वीडियो से शिक्षा मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।